वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका प्रिंस 8050 गेमिंग में। और आज हम फिर से अपना ट्रक लेकर चल रहे हैं एक डेस्टिनेशन की तरफ। कल हमने यहाँ पे ड्रॉप किया था अपना लोड। वॉल्यूम करते हैं इंक्रीज और करते हैं अपने ट्रक को स्टार्ट। सुपर। यहाँ पे हमको क्या करना है, ड्राइवर की नींद आधी है तो फिर यहाँ पे थोड़ी सी नींद लेते रहे ड्राइवर की। टाइम है दोपहर के 1:30 बजे, तो शाम तक हम नींद ले लेते हैं यहाँ पे। ड्राइवर को अगर सुस्ती पड़ी है तो थोड़ी नींद लेके फिर ट्रक को वॉश करवाएंगे। ट्रक थोड़ा अभी मैला हो चुका है, तो ट्रक को नीट एंड क्लीन करके ड्राइवर को सुला के फिर हम अपना अगला लोड उठाते हैं, यहाँ से निकलते हैं किसी और नए रूट की तरफ से। सो लेट्स गो टू स्लीप फर्स्ट। पार्किंग ब्रेक एंगेज है, ब्रेक्स। कर दिया अपने ट्रक पार्क। यहाँ पर इंजन को ऑफ करके ड्राइवर को सुला देते हैं थोड़ी देर के लिए, ले लेते हैं 5 घंटे की नींद। तो ये हो गए हमारे 5 घंटे फिनिश। टाइम अब हो चुका है 18:45, मतलब 7:15। तो 7 बजे यहाँ से हम लोड लेके निकलेंगे। फुल नाइट की ड्राइव होने वाली है। पेट्रोल लगभग है हमारा, थोड़ा सा खाली हो चुका है, तो बीच में जहाँ भी पेट्रोल पंप आएगा भरवाते जाएंगे। ये आ गए हम ट्रक के अंदर। ट्रक को फिर यहाँ करते स्टार्ट। सुपर। कैब लाइट्स ऑन। अंदर से तो ठीक ठाक है, थोड़ा सा मेला है यहाँ पे। जो हमारी फटी हुई सीट है वो ऐसे ही अभी तक। थोड़ी ट्रक को मॉडिफाई करवाएंगे लेटर ऑन। थोड़ा सा पैसा कमाना है भाई, थोड़ी सी मेहनत करनी है। ड्राइविंग करेंगे, थोड़े लोड उठा के डिलीवर करेंगे, उसके बाद लाइट्स ऑन। यहाँ पे फुल लाइट्स ऑन कर लेते हैं। विंडो ओपन नहीं करूँगा क्योंकि बाहर का शोर ज़्यादा आएगा तो मेरी आवाज़ कम आएगी। तो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, हमको करना है अपना ट्रक वॉश, वॉश करवाना है। तो यहाँ पे रिवर्स गियर और ढूंढते हैं वॉशिंग की जगह। तो जब तक सिटी में घूम रहे हैं तब तक फ्लैशर ऑन रखते हैं, ताकि लोगों को पता चलेगा कि बंदा आराम से चला रहा है, यहाँ वहाँ पे टर्निंग कर सकता है। थोड़ी देर पे हमको मिलने वाला है वॉशिंग, वॉशिंग प्लांट है जहाँ पे वॉश हो जाएगी हमारी ट्रक। ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई है वहाँ पे। अपनी स्पीड धीरे ही रखते हैं। आई थिंक वो वहाँ सामने वॉशिंग प्लांट है, दिख गया हमको। वहाँ पर जाना है अंदर, देखना कैसे वॉशिंग के बाद बढ़िया सी चमकती है अपनी ट्रक। आगे हो गया, सुपर। यहाँ पे हो रही हमारी क्लीनिंग, करके हो रही फुल वॉशिंग, एकदम फ्लैशर ऑन है। सुपर सुपर सुपर। काफ़ी अंधेरा है, रात का टाइम, इसलिए ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ड्राइव करके जब सुबह पहुंचने वाले होंगे तब बहुत बढ़िया नज़ारे मिलेंगे हमको। चलो जी, ये हो गई हमारी क्लीनिंग ख़त्म। करते हैं फिर से ट्रक को स्टार्ट। लाइट्स ऑन, ब्रेक्स ऑफ, रिवर्स गियर। पास में सर्विसिंग की जगह है तो सर्विस भी करवा लेते हाथ तो हाथ। सर्विसिंग का भी खर्चा पड़ने वाला है क्योंकि पहाड़ों पे हमने बहुत तगड़ी चलाई थी, वहाँ पे थोड़ा बहुत तो डैमेज हुआ होगा इंजन का जो भी काम है। देखते हैं कितना खर्चा आ रहा है।
ओके, तो 12% ट्रक डैमेज हो चुका है हमारा। रिपेयरिंग का कॉस्ट 189 यूरोस, हम करवाते हैं रिपेयर। ये भाई मेंटेनेंस का काम चल रहा है, वॉशिंग और मेंटेनेंस ख़त्म करके हमारा टाइम हो चुका है 7:30। तो अब निकलने के लिए पूरी रात लगेगी। चलो अब ढूंढते हैं हमारा लोड, यहाँ से उठाते हैं, ट्राई करते हैं कोई नई जगह जाने के लिए, देखते हैं कौन सा लोड मिलता है, कौन सी डेस्टिनेशन जाने के लिए मिलता है। ऑप्शन तो हमारे पास बहुत सारे होंगे, कोई भी सिलेक्शन लेके चले जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे। शहर में पूरा सन्नाटा है, थोड़ी बहुत ट्रैफिक दिख रही है, लेकिन घर की लाइट से सारी ऑन है। तो ये हमें अवेलेबल जॉब्स दिखाई दे रहे हैं, नूरमबर्ग से प्रेग, नूरमबर्ग से फ्रैंकफुर्ट, नूरमबर्ग से लेक। तो लेक जो है वो हमारा पहाड़ी एरिया जो हम ऑलरेडी जाके आ चुके हैं। तो आई थिंक ये फर्स्ट वाला लोड ही उठा लेते हैं, कार्गो जिसमें क्लोथ्स हमको मिलने वाले हैं, कपड़े लेके जाने हैं। 15 टन का वज़न मिलेगा, 299 किलोमीटर, लगभग 300 किलोमीटर करेंगे, तो लगभग सारी रात ड्राइव करके हम पहुँच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन के लिए। तो यही अपना उठा लेते हैं लोड क्लोथ्स का। तो यहाँ पे हमें अपना लोड उठाने के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, किसी और यार्ड में पड़ा है हमारा जो भी कार्गो हमें ले जाना है, कपड़े ले जाना है, क्लॉथ्स, तो वो इस यार्ड पे नहीं है, हमारे सामने जो और एक यार्ड बना हुआ है वहाँ पे मिलेगा। तो वहाँ तक चलते हैं, वहाँ से इसको ट्रेलर को उठाते हैं, अटैच करते हैं, उसके बाद निकलते हैं सिटी से बाहर। बातों बातों पर यहीं पर 8 बज के भाई, धीरे धीरे धीरे, यहाँ पे बहुत स्लो। जितना आप ट्रक गड्ढों पे जंप कराओगे उतना ही ट्रक आपका डैमेज होता जाएगा, फिर खर्चा महंगा पड़ेगा जब आप रिपेयर करवाने जाओगे तब। ये रहा हमारा कार्गो ट्रक, एकदम चमक रही है गाइस, देखो बहुत मस्त लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है ट्रक फिलहाल। होप कि बीच में बारिश ना आए, बारिश आ गई तो गड़बड़ हो जाएगा। ये हो गया अपना ट्रेलर जॉइंट, ट्रेलर अटैच कर दिया है, अब निकलते हैं यहाँ से। तो फ्लैश एरिया पे ऑफ कर देते हैं हम, अब सीधा ऑन ड्यूटी। एक बार फिर से मैप चेक कर लेते हैं। तो होने वाला है हमने 15 टन का कपड़ों का लोड, और ले जा रहे हैं हम टूवर्ड्स प्रिग, 299 किलोमीटर, लगभग 300 किलोमीटर। शाम के 8 बजे हम निकल रहे हैं यहाँ से, फुल नाइट राइड करेंगे, ड्राइव करेंगे, बीच में जहाँ भी डीजल आएगा डीजल भरवाएंगे। थोड़ा ट्रैफिक दिख रहा है हमको, सिग्नल पे रुकना पड़ेगा, आसपास पूरा देख के फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कैब लाइट ऑन रखता हूँ थोड़ी देर, सिग्नल ग्रीन है, लेट्स गो लेट्स गो, इससे पहले कि रेड हो जाए जल्दी चलते हैं यहाँ से। रेड सिग्नल क्रॉस करेंगे तो पेनल्टी पड़ जाएगी ऊपर से,
और सिटी के अंदर तो स्पीड लिमिटेड रखनी है हमको। आई थिंक मैंने रास्ता थोड़ा गलत चुन लिया है, हमको दूसरे रास्ते से जाना था, लेकिन यहाँ से वो रास्ता मिल जाएगा हमको। तो हमको उस तरफ से आना था जो मैप में हमको दिख रहा है लाइन। अब यहाँ से पूरा चक्कर लेके जाना पड़ेगा, पूरा चक्कर करना है। ट्रैफिक थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं है फिलहाल सिटी में, शायद हाईवे पे मिल सकती है ट्रैफिक, क्योंकि रात को बहुत सारे ड्राइवर्स जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो रात में ही ड्राइव करना पसंद करते हैं, तो शायद रात को हमको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक दिखने मिलेगी हाईवे पे। और पेट्रोल पंप पे तो भाई डीजल भरवाने के लिए तो लाइन लगती है हमेशा, आज भी मिलने ही वाली है लाइन। देखो आधा हो गया यहीं पर घूमते घूमते, सिटी के अंदर ही आधा हो गया है, अभी हाईवे पर पहुँचना है। मिल गया भाई, मिल गया पेट्रोल पंप, मिल गया है, डीजल भरवा लेते हैं यहाँ पे, इंडिकेटर दे देते हैं। ओ भाई लाइन गलत हो गई, बहुत जल्दी टर्न ले लिया, फिर से पीछे करो। हो गया अपना इंजन ऑफ और आधे से कम टंकी अभी यहाँ पे खाली हो चुकी है, तो पूरा भरवा के ही जाएंगे। यहाँ पे डीजल थोड़ा कम लग रहा है, 1.76। हाईवे पे जब भरवाया था तब लगभग 2 यूरोस का हमको 1 लीटर पड़ रहा था, यहाँ पे 1.76 का पड़ रहा है, सस्ता है थोड़ा। चलो ये हो गया हमारा रिफिलिंग, अब भाई कुछ नहीं, आस पास कुछ देखना नहीं है, सीधा भगाते रहना है हाईवे पे, 100 की स्पीड पे जाएंगे। जब एक बार हाईवे पहुंच गए तो क्रूज मार के बैठ जाएंगे आराम से। लेट्स गो लेट्स गो, जल्दी, ज़्यादा यहाँ वहाँ रुक के ब्रेक्स मारेंगे तो फिर टाइम की पेनल्टी भी पड़ती है, आपको पता है इस गेम में। तो जितना टाइम लिमिट हमको दिया है उसी टाइम में हमको डिलीवर करना है, एक बार देख लेते हैं हमारी टाइम लिमिट क्या है। तो हमारा टाइम है 7 7.5 घंटे में डिलीवर करना है, मतलब समझो हमने 8 बजे लोड लिया है, तो 7 7 घंटे ऐड कर लो 15, मतलब 3 4 बजे, सुबह 4 बजे तक ये लोड डिलीवर हो जाना चाहिए उनको। अगर बीच में हमने नींद ले ली रात को, तो फिर अगर सुबह लोड हमने डिलीवर किया तो भाई पेनल्टी पड़ने वाली है। तो इससे अच्छा है पहले ही मैंने नींद ले ली है अपना, इंडिकेटर ऑन हो गया भाई गलती से, सॉरी। पहले हमने अपनी नींद कंप्लीट कर ली है, अब सीधा भगाते रहना है बस, अब कोई स्टॉप नहीं। अगर डीजल ख़त्म हो गया तो बीच में ज़रूर रुकेंगे, लेकिन उसके बीच में कोई दूसरा स्टॉप नहीं लेंगे हम। ये देखो मैंने बोला था ना रात को ट्रैफिक मिलेगी, बहुत सारे गाड़ियां हमको ओवरटेक करके जा रही है, सामने से भी गाड़ी आ रही है। रात के टाइम ड्राइवर को बहुत पसंद है क्योंकि मौसम अच्छा रहता है, थकान कम होती है इस वक्त नाइट राइड में, नाइट ड्राइविंग। तो यहाँ पे हमको हाईवे मिल रहा है, इंडिकेटर दिखा देते हैं, कोई पीछे आ रहा है तो उसे पता चलना चाहिए कि हम रोड चेंज कर रहे हैं, लेन चेंज कर रहे हैं। ये लो जी हाईवे आ गया, हम पहुंच गए अपने हाईवे पे, ये सीधा सीधा हाईवे हमको ले जाएगा प्रेग सिटी की तरफ, जो हमारा डेस्टिनेशन है 300 किलोमीटर। इंडिकेटर बंद कर लेते हैं, तो यहाँ से फिर से एक टर्न है, तो यहाँ से हमको दूसरा हाईवे पकड़ना है, ये वाला हाईवे नहीं है, यहाँ पे फिर से हमको घूम के जाना है, यहाँ से राइट लेकर फिर से इंडिकेटर ऑन करते हैं। रात के वक्त थोड़ी विजिबिलिटी बहुत कम हो रही है, आपको भी बहुत कम दिख रहा होगा, जैसे सुबह होगी विजिबिलिटी अच्छी हो जाएगी, लेकिन ये वाली ड्राइव पूरी नाइट ड्राइव है, तो लगभग रात का ही टाइम मिलने वाला है हमको। धीरे धीरे आराम से आराम से, यहाँ पे बिल्कुल भी एक्सीलेटर नहीं करना है हमको,
जोर नहीं लगाना है, आराम से जाएगी डाउन पे। जब चढ़ाई होती है तब पूरा पावर लगा दो जोर का, लेकिन जब डाउन होती है तो ट्रक को छोड़ दो, वो अपने आप जाती रहेगी नीचे की तरफ। ज़्यादा स्पीड करने की करोगे तो जाके ग्रिल से डैश मार देगी, फिर से वही पेनल्टी वाला काम। ये सामने का हाईवे बड़ा खूबसूरत दिख रहा है, यहाँ पे लाइटिंग लगाई हुई, वाह यहाँ पे का बढ़िया सी लाइटिंग दिख रही है हमको, तो यहाँ पे हमारा ट्रक भी बढ़िया से दिखने वाला है। ये देखो वाह, जैसे लाइटिंग पास आ रही है हमारा ट्रक भी चमक रहा है, सुपर। बंदे ओवरटेक करके जा रहे हैं भाई, चलते हैं जल्दी से। गाड़ियाँ गाड़ियाँ ओवरटेक करते हुए जा रही है। अरे वाह अरे वाह, मर्सिडीज गई, और आगे भी मुझे रेड कलर की लाइट्स दिख रही है, काफ़ी ट्रैफिक दिख रहा है आगे जाते हुए। यहाँ पे मुझे लगता है मैं क्रूज़ लगा देता हूँ 100 की स्पीड। यहाँ पे हमको बार बार पेडल पुश करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप चलती रहेगी अपनी ट्रक, बस टर्निंग का ध्यान रखेंगे। ये देखो आगे लाइट सबको दिख रही है ना, ट्रैफिक की लाइन लगी हुई है, लगभग ये सारी कारें हैं, ट्रक तो एक भी नहीं दिखी अभी तक, और मैं देखना चाहता हूँ ट्रकें, ट्रकों वाले ट्रक देखना चाहते हैं भाई, कि ट्रक वाले क्या क्या ले जा रहे हैं, क्या क्या लोड उठा के जा रहे हैं। कोई बुलडोज़र ले जाता है, कोई टैंकर ले जाता है। ये देखो ये लाइन लग गई, सारे हमको ओवरटेक करके आ रहे थे, अब सब पीछे रहेंगे। जाओ जाओ भाई जाओ, पीछे जाओ। ये ट्रक दिख गए हमको, टैंकर लेके जा रहे हैं, डीजल होगा शायद, डीजल या फिर दूध हो सकता है। नहीं ये टैंकर नहीं है, ये मिट्टी वाला है। ये बंदा लाइन में आ रहा है मेरे, इसको फ्लैशर मारते हैं। गया, हट गया, देखो हमारे लाइन में आ रहा था, मैंने इसको फ्लैशर मार दिया और ये हट गया। डिसिप्लिन है बंदों में। हमारी ट्रक अब जा रही है 112 की स्पीड पे। ये दूध वाला टैंकर लग रहा है, वाइट कलर का, जो गया। पूरी रात दूध की डिलीवरी करेंगे, सुबह जब गांव शहरों में चाहिए होगा तब दूध डिलीवर करेंगे ये लोग। कैब लाइट्स अगर ऑफ करें तो बाहर की विजिबिलिटी बहुत अच्छी दिखती है, अब बाहर काफ़ी अच्छा दिखता है, दिखने लगा है जब कैब लाइट ऑफ कर लेते हैं। चलो भाई, काफ़ी बढ़िया सा रूट है, बढ़िया सा हाईवे चल रहा है, बढ़िया सी ड्राइव हो रही है हमारी। काफ़ी ट्रैफिक दिख भी रही है वैसे, लेकिन हर कोई स्लो स्पीड में जा रहा है। लगभग जो पहले पहले ओवरटेक करके गया सब पीछे रह गए, और हम जा रहे हैं सबको ओवरटेक करते हुए एकदम। जितना जल्दी डिलीवरी करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि स्लो चलाएंगे तो फिर ड्राइवर को नींद भी जल्दी आएगी, फिर उसे सोना पड़ेगा, फिर से टाइम वेस्ट, फिर से वही पेनल्टी वाला चक्कर। यहाँ पे एक गांव आने वाला है बीच में, जहाँ पे टर्निंग हो रही है, लेकिन हमको तो सीधे सीधे जाना है। और उस टर्निंग में एक पेट्रोल पंप दिख रहा है, शायद वो एक पेट्रोल पंप है वहाँ पे। सुपर, ये देखो भाई, ये बुलडोजर ले जा रहा है बंदा, ऐसा वाला ही लोड देखना था हमको, कुछ मज़ेदार। एक सौ चौदह की स्पीड, यहाँ पे रेस्टिंग एरिया आ गया। ये देखिए साइड में जो रेस्टिंग एरिया है, यहाँ पे ट्रकर अपना ट्रक खड़ा करके सो सकते हैं। साइड में एक पार्किंग बनाई गई है छोटी सी, वहाँ पे ट्रक खड़ा करके सो सकते हैं, अगर पेट्रोल पंप ना मिल रहा हो और बीच में मिले। अरे 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 अरे, ये हो गया, देखो मिस बैलेंस, ये मिस बैलेंस है, ध्यान से भाई ध्यान से, ट्रक डैमेज हो जाएगा ज़्यादा घुमाई तो। जब भी मैं यहाँ वहाँ देख लेता हूँ, एक बार मेरा ट्रक घूम जाता है बहुत बार। चलो चलो चलो, रात के 10 बज गए, 10:15 हो रहे हैं, और अभी हमारे सामने ज़्यादा ही ट्रैफिक लग रहा है। लेन भी कम हो गई भाई, 3 लेन थी अब 2 लेन दिख रही है। यहाँ पे क्रूज़ को बंद कर देते हैं और कंट्रोल ले लेते हैं अपने हाथ में, खुद कंट्रोल करके चलेंगे अपना ट्रक, क्योंकि आगे ट्रैफिक है तो फिर क्रूज़ करने का मतलब नहीं है। क्रूज़ पे ना बहुत बार कंट्रोल मिस हो जाता है हमारा, इससे अच्छा है ट्रैफिक अपना जो है पेडल एक्सीलेटर हम अपने हाथ में ले लेते हैं, जितना ज़रूरत हो वहाँ एक्सीलेटर दबाएंगे। सारे ट्रकों को ओवरटेक करके जा रहे हैं, सारे ट्रकों को।
ट्रकों वाले लगभग 100 की स्पीड में चला रहे हैं, इसलिए हर कोई पीछे रह गया और मैं जा रहा हूँ 110 के ऊपर, 113, 114, 115, तो इसलिए सारे पीछे रह गए, हम सबको ओवरटेक कर रहे हैं। यहाँ पे एक और पेट्रोल पंप आ गया, लेकिन डीजल तो है हमारे पास, ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिलहाल। आई होप फुल टैंक में 300 किलोमीटर तो चल जाएगा, देखते हैं। बिना अगर भरे चल जा सकते तो चले जाएंगे, अगर बीच में आधे से कम हो गया तो फिर भरवाना ही पड़ेगा। लेट्स सी आज माइलेज हो जाएगा ट्रक का कि फुल डीजल में कितना चलता है ये। 300 किलोमीटर हो जाएगा इसका, ताकि आने वाले जो ट्रिप है उसमें हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना हमको चाहिए होगा अंदर भरा हुआ। और आगे लाइन दिख रही है लंबी ट्रैफिक की, चढ़ाई हो रही है, चढ़ाई इसलिए जोर पड़ रहा है ट्रक का, फिर से 100 के नीचे आ गई। ये पीछे से ट्रक कार ओवरटेक करने वाली थी, सॉरी भाई मैं आ गया बीच में, और पीछे अभी ये कार आई ओवरटेक करने के लिए। स्पीड हो गई 90 से नीचे, गियर करते हैं डाउन और चढ़ाई करते हैं थोड़ी सी। दिन का टाइम होता तो बाहर सारा नज़ारा मिल जाता कि हम पहाड़ी के बीच है या फिर कौन सा रास्ता चल रहे हैं, आसपास नदी है क्या है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। रात में तो बस सिर्फ रोड देखो और ट्रैफिक देखो, ये देखो फ्लैशर मार रहा है, ये बीच में ही रुक गया जैसे, अब लोग ऊपर से बारिश भी शुरू हो गई। तो हमारा जो इच्छा थी कि हम अपनी ट्रक को सही सलामत मतलब एकदम साफ सुथरा लेके चले, वो तो अब नहीं होगा, क्योंकि बारिश आई है तो फिर पूरा मेला होने वाला है, हमारा ट्रक गंदा होने वाला है। ये भाई गलत बात है, वाइपर ऑन करना पड़ेगा, बारिश शुरू हो चुकी है। ये लग गई, थोड़े से नज़ारे क्या देखने लग गया, ट्रक ही ठोक जाती है। वाइपर ऑन है, रोड स्लिपरी हो गया इसलिए शायद जाके टकरा गई साइड ग्रिल से। ये और एक ट्रक स्टॉप आ गया, यहाँ पे बंदे क्यों खड़े रहते हैं भाई बीच में, समझ नहीं आ रहा। ये रेस्टिंग एरिया गया पीछे, वाइपर की स्पीड तेज कर लेते हैं क्योंकि बारिश चालू है। अरे यार मैं बटन ढूंढता रह गया और ये मार दिया। अब रोड सारा स्लिपरी हो चुका है, बारिश का पानी अभी। अरे 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 बंदा क्या क्या कर रहा है यार, दिमाग खराब है क्या इनका। रोको भाई रोको भाई रोको रोको रोको, ये क्या हो गया इसको, बंदे को पागल आदमी। अब देखो गैप सामने से, दिमाग खराब कर देते हैं ऐसे बंदे रोड पे, हाईवे पे वो भी, और सारा ही मोशन तोड़ दिया इसने। इतना बकवास ड्राइवर था, एकदम से चलाते चलाते रोक दी बीच में। ऐसे बंदों का कहाँ कहाँ ध्यान रखे हम। अरे वाह ब्लू लाइट दिख रही है, ऊपर शायद चंद्रमा है। ओहो, ये खतरनाक था, ये बिजली का खड़कना बहुत खतरनाक था भाई। मज़ा आ गया, फिर से होगी क्रैश, फिर से क्रैश। मेरे को भाई नहीं देखने नज़ारे, चलो चलते हैं, पूरे ट्रक का पापड़ हो जाएगा यहीं पे अगर नज़ारे लूटने बैठ गया मैं तो। चढ़ाई है थोड़ी इसलिए ट्रक बहुत कम पिकअप ले रही है, गियर छोटा कर लेते हैं एक बार, इसमें तो पूरा ही जोर लग रहा है, 11वां गियर पे ही चलेगी।
बहुत कम विजिबिलिटी है, मतलब सिर्फ लाइटें दिख रही है कार की, हमारे जो आगे हमारी हेडलाइट है उतना ही दिख रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है रोशनी बाहर, बहुत ज़्यादा अंधेरा है। ये लो तो बिजली बिजली खड़क गई, बिजली खड़की भाई, बिजली खड़की। एक बार अगर स्ट्रेट रोड आ जाए तो फिर मैं मैप चेक कर लेता हूँ कितना दूर हम आए हैं। मुझे लगता है आधे से ज़्यादा तो आ ही गए होंगे, क्योंकि 100 की स्पीड से जब से चला रहे हैं हम, और अब टाइम हो चुका है गेम के अंदर 11:30, तो 12 बजने वाले हैं। 9 बजे हम लगभग निकले थे शायद, 8 या 8:30, 9 बजे, 9 बजे हमने डीजल फुल करवा के निकले थे पेट्रोल पंप से। ये देखो ये कार वाला क्या ही कर रहा है भाई, अपने लाइन में रहो ना यार। तो यहाँ पे लगभग हम आ चुके हैं 250 किलोमीटर, सिर्फ 40-50 किलोमीटर बाकी है, अपना सफ़र हो जाएगा ये वाला कंप्लीट। पूरी नाइट ड्राइव कर ली बिना किसी विजिबिलिटी के, सिर्फ रोड दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है भाई, सिर्फ रोड देखते 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 आए हैं, ना कुछ नज़ारे देखे ना कुछ और देखा। ट्रकें थोड़ी बहुत दिखी अभी, तो वो भी नहीं दिख रही है, और कार वाले जो है वो पागलों की तरह चला रहे, पता नहीं नए साल की पार्टी करके अभी तक पी हुई है उन्होंने, अभी तक नशे में है। 2 बार मेरे साथ क्रैश कर गए कार वाले। ये लो जी हमारे सिटी में, सिटी के अंदर जाने का हमारा जो है वो टर्न आ गया है, यहाँ से चलते हैं अंदर की तरफ। ये लेते हैं हम डाइवर्जन यहाँ से, यहाँ पे लग गई, स्पीड कम रखते हैं यहाँ पे, एक्सीलरेट नहीं करेंगे, अपने आप स्पीड बढ़ती जाएगी देखना, जैसे ही डाउन में जाएगी स्पीड अपने आप चलती जाएगी। ये देखो 39, 40, 41, 42 स्पीड अपने आप बढ़ रही है ना, तो हमको यहाँ पे एक्सीलरेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप उतरेगी नीचे। यहाँ से हम फिर से अपना कंट्रोल लेते हैं हाथ में, यहाँ से कुछ 40 किलोमीटर अंदर है अपना सिटी। ब्रेक ब्रेक ये है ब्रेक, 4 बजे का टाइम दिया हुआ था, हम 11 बजे यहाँ पे तक, 12 बजे तक यहाँ पे पहुँच चुके हैं, लगभग 1-1.5 घंटा और लग जाएगा अंदर जाते हुए सिटी के अंदर, और पार्क करेंगे जब तक तो 1.5-2 तो बज ही जाएंगे, तो हम टाइम से पहले पहुँचे यहाँ पे, कोई पेनल्टी हमको यहाँ पे पड़ने वाली नहीं है। लगभग बारिश बंद हो चुकी है, वाइपर करते हैं ऑफ़, और यहाँ पे सिंगल रोड हमको मिल रहा है यहाँ पे गांव में जाने के लिए, तो शायद ये सिटी सिटी नहीं है, एक छोटा सा टाउन लग रहा है, इसके अंदर जाने के लिए कि ये लाइट सिंगल रोड मिल रहा है हमको, सिंगल रोड दोनों तरफ ट्रैफिक आ तो रही है और ट्रैफिक जा भी रही है अंदर, सामने हमको रेड लाइट दिख रही है। स्पीड यहाँ पे कम कर लेंगे, लाइनें लग रही है भाई, लाइनें दिख रही है मुझे लाइटों की, पता नहीं आपको इसमें क्लियरली दिख रहा है या नहीं, मेरे को पूरी लाइनें दिख रही है, रेड कलर लाइटें, टेल लाइट्स, और ये आगे हमारा टाउन। अब ये टाउन है सिटी है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, अंदर घुसते ही देखेंगे, बड़े रोड्स है तो फिर सिटी होगी, छोटे रोड्स है तो फिर टाउन होगा। ओ लो जी फ्लैशर मार दिए, ये देखो यहाँ पे अब अपनी स्पीड बहुत कम रखनी है, पीछे भी लाइन है, वाह पीछे भी लाइन है, आगे भी लाइन है, धीरे धीरे जा रहे हैं हर कोई। ट्रक मैली कितनी हुई है देखनी है एक बार, लाइट के नीचे आते ही पता चल जाएगा, मैली तो है भाई। सामने हमको ऊपर ट्रेन जाती हुई नज़र आ रही है, और हमारी डिलीवरी बस यहीं पे है, इंडिकेटर दिया और लेफ्ट टर्न लेके ये आ गया हमारा कार्गो का यार्ड। लो जी पहुंच गए सही सलामत, बिल्कुल टाइम पे, सुबह 4 बजे तक का टाइम था लेकिन हम पहुंच गए हैं 12:30 बजे। पार्किंग स्किप नहीं करेंगे, पार्किंग कंप्लीट करेंगे,
स्किप करने थोड़ी आए भाई, पूरी ड्राइविंग करते हैं, पूरी ड्राइविंग ड्राइविंग का पूरा जॉब कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे फ्लैशर ऑन करके करते हैं रिवर्स, और ये कहाँ पे जा रहा है, कारें खड़ी है अंधेरे में, इतना दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन करेंगे भाई पार्किंग सही से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं पार्किंग में, क्योंकि गाड़ी डैमेज नहीं करनी है। देखो दो गाड़ियाँ खड़ी है, चलो यहाँ पे ट्रेलर घुमा देते हैं, ट्रक घुमा लेते हैं अपना थोड़ा सा आगे लेके, अंधेरे में लाइटें बहुत कम दिखती है यहाँ पे। वो चंदा मामा ऊपर है, ये लो जी हो गई पार्किंग, डिलीवरी कंप्लीट। अब देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो हमने कर दिया 300 किलोमीटर, टाइम लिए सिर्फ 5 घंटे, जो हमें 7.5 घंटे का टाइम था, 2.5 घंटे हम जल्दी आ गए। फ्यूल खाया हुआ है 250 लीटर डीजल, डैमेज पेनल्टी थोड़ी बहुत मिली है 400 यूरोस के आसपास। तो यहाँ पे हम रिमूव करके अपना बोनस ले लेते हैं, 3,370 यूरोस का हमें प्रॉफिट मिल चुका है। इसी के साथ हम अपना जॉब एंड करते हैं, कल सुबह यहाँ से निकलेंगे बढ़िया सी नींद लेके। ड्राइवर की नींद अभी पूरी, थकान हुई नहीं है, अभी भी नींद ले सकता है, कैब लाइट ऑन कर सकते हैं, तो अभी भी ड्राइव कर सकता है ड्राइवर। लेकिन हम रात की नींद यहाँ पे ख़त्म करके सुबह अगले वीडियो में सुबह के टाइम पर निकलेंगे। आज अभी रास्ते में कुछ ठीक से हमें दिखा नहीं, पूरा अंधेरा था। तो आई होप वीडियो पसंद आएगा, ज़रूर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।